फ्लैशलाइट ऑन कर लिया दोस्तों, थोड़ा अंदर देख कर आता हूँ। कई दोस्त बोलते हैं कि आप डरते हो, ये है वो, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे हो दोस्तों? नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। ये क्या था पैरानॉर्मल शो में, मैं आपका भाई जस्सी, और आज मैं अकेला हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, और आपकी दुआओं से और आपके प्यार से मैं भी ठीक हूँ। एक लोकेशन पे खड़ा हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पर कबीर भाई विजिट करके गए थे कुछ समय पहले, और मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि वहाँ पर जाओ और चेक करो जस्सी भाई क्या है क्या नहीं है। तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सामने मेरे एक कैमरा रखा हुआ है मैंने, अभी मैं आपको दिखा दूँगा कि कहाँ पर रखा है। तो मेरा मेन मकसद था यहाँ पर अकेले ही विजिट करने का, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हैपनिंग्स थी, काफ़ी आवाज़ें सुनाई दी थी, और कबीर भाई के साथ थोड़ी सी हैपनिंग भी यहाँ पर हुई थी, उन्हें किसी चीज़ ने पकड़ के खींचा था। और गर्मी बहुत है, पसीने से भीगा पड़ा हूँ बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पर आपके सामने बैठकर आपको डिटेल बता रहा हूँ। लोकेशन पीछे है मेरे, पहले से कुछ चेंज हो गई है थोड़ी शायद, या मुझे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं तो आया नहीं था, बाकी है वही लोकेशन। तो कबीर भाई के साथ कुछ हैपनिंग हुई थी, उस टाइम बड़े कमेंट आए थे, कई भाई कह रहे थे कि भाई के साथ ऐसा हुआ है, कई कह रहे थे भाई हमें लग नहीं रहा है ऐसा कुछ है। तो मैं सारी बातें वो क्लियर कर दूं कि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जो दिखाते हैं हम आपको रियल दिखाते हैं। तो मैं अकेला चेक करने आया हूँ आज, काफ़ी टाइम के बाद अकेला आया हूँ, और ज़्यादातर आपको पता है कि हम इकट्ठे ही आते हैं। तो अभी आपको पूरी लोकेशन दिखाऊंगा, डिटेल मैंने आपको बता दी है, यहाँ पर आवाज़ें सुनाई देती हैं, और किसी औरत का जिक्र भी शायद भाई ने किया था। मतलब कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं और कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर है। तो हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम रिकॉर्ड क्या कर पाते हैं या कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाते, तो हम एविडेंस पे बिलीव करते हैं। कुछ रिकॉर्ड होगा तो आपको दिखाएंगे, कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा तो आपको कुछ भी नहीं दिखाएंगे। तो अभी मैं यहाँ से कैमरा उठाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा सारा, आपको दिखाऊंगा कहाँ पे कैमरा रखा था, और चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ। काफ़ी ड्रावनी लोकेशन है, और सबसे ज़्यादा डर दोस्तों इस जगह पे कोई आवाज़ आई है, सबसे बड़ा जो डर है दोस्तों इस लोकेशन पे वो आत्माओं का नहीं है, या स्पिरिट्स का नहीं है, या कोई भी चीज़ यहाँ पे है उसका नहीं है, जानवरों का ज़्यादा है। यहाँ पर सांप, बिच्छू, अलग अलग प्रकार के जानवर, सबसे ज़्यादा डर तो यहाँ पर सांपों का है, सांप बोलते हैं, भाई ने भी बताया था। तो आगे लोकेशन आपको पूरी दिखाता हूँ, कवर करवाता हूँ। एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, हमारी मेहनत के लिए, आपके भाई की मेहनत के लिए। ये आपके सामने है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मच्छर इतना परेशान कर रहे हैं कि आपको क्या बताएं। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत से भाई हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, हमारी वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जाती है यूट्यूब वीडियोस की वो 65% उन लोगों के पास जा रही है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, और 35% उन लोगों के पास जा रही है जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। मैं कल ही डिटेल्स चेक कर रहा था यूट्यूब में हमारे चैनल से रिलेटेड, तो वहाँ पर मेरे को पता चला। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, और इतने हमारे भाई जुड़े हैं, अपने 200-400 दोस्तों से करवा दोगे यार फिर भी डबल ट्रिपल हो जाएंगे, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है। हम आपको दिल से प्यार करते हैं, आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं, और हमारा कोई मकसद नहीं है, यूट्यूब से कोई पैसा नहीं है भाई, यूट्यूब से घर नहीं चलते, हमने देख लिया सारा सिस्टम। तो सिर्फ आप, आवाज़ आई यार, तो सिर्फ आप, आवाज़ आई यार, तो कैमरा हाथ में पकड़ता हूँ, आपको व्यू दिखाता हूँ और पूरी लोकेशन आपको दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। अभी एक आवाज़ आई थी, और शायद पास से कुछ साधन वगैरह गुजर रहा है, और किसी गाने की आवाज़ सुनाई दी है।
तो कैमरा में उठाता हूँ, आपको लोकेशन दिखाता हूँ आसपास की, और शुरू करते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आज जोड़कर। तो चलिए, दोस्तों यहाँ पर मैंने कैमरा रखा हुआ था इस जगह पे, ये जो आप सामने देख रहे हो, और ये सारी लोकेशन है जहाँ पर कबीर भाई विजिट करके गए थे। उनके साथ हैपनिंग्स भी हुई थी, किसी चीज़ ने उनको खींचा भी था, और बार बार सभी दोस्त डिमांड कर रहे थे कि जस्सी भाई आप जाओ जाओ चेक करो। और आज पूरी क्लैरिटी के साथ फुल HD में अच्छे से चेक करेंगे, पूरी लाइटिंग के साथ, कि आखिर यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। मेरा भगवान मेरे साथ है, आपकी दुआएं साथ में हैं। दोस्तों काफ़ी टाइम से ना गला ख़राब चल रहा है, तो इसलिए आपको आवाज़ थोड़ी सी भारी आ रही होगी, क्योंकि बाहर भी घूमने गए हैं 2 बार, तो अभी तक सेट नहीं हुआ, पर पहले से बेहतर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर मच्छरों की है, क्योंकि सामने खुले हैं कैमरे के, जैसे लेंस के पास आते हैं ना तो पिक्चर धुंधली हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, आराम से शांति से चेक करवाता हूँ आपको लोकेशन। ये क्या है, कुछ तो है, नहीं कोई सामान पड़ा है, मुझे लगा पता नहीं क्या है सफेसा, बाकी आपके सामने है। इस साइड भी है, आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए हवा चलनी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। बाकी मच्छरों ने परेशान कर दिया है, आँख में चला गया यार, दोस्तों आँख में मच्छर चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मेरे पैरों की आवाज़ है, दोस्तों को बता दें। चलते हैं इसके अंदर की तरफ, बेसिकली दोस्तों ये लोकेशन एक खेत में है। मैं पहले बता दूं, लास्ट टाइम मुझे ध्यान नहीं है कबीर भाई ने आपको बताया था या नहीं बताया था, तो ये जानवरों के लिए है, ठीक है, जो चारा होता है उनको डाला जाता है, और काफ़ी बड़ा ये, और इसके अंदर जो हैपनिंग्स होती हैं या इसके आसपास होती हैं उसके बारे में हमें बताया गया था, और रात के टाइम होते हैं, सुबह कुछ भी नहीं होता, जैसे आप मर्जी आए जाएं यहाँ पर, जो जिनका ये खेत है जिनकी जगह है, भाई ने कहा है कि कुछ भी ऐसा नहीं है दिन के टाइम यहाँ पर, जैसी रात होती है तो
हैपनिंग्स होने लग जाती हैं, आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। और भाई ने कहा, कोई आवाज़ आई शायद, इसके अंदर मच्छर कितने हैं दोस्तों, देख रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। वो देखिए कुछ उड़ कर गया है, मुझे नहीं पता क्या है। भूतों से ज़्यादा, वैसे हम भूत सब यूज़ नहीं करते, पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आत्माओं से ज़्यादा मुझे मच्छरों से डर लग रहा है, क्योंकि कान में घुस रहे हैं, आंखों में घुस रहे हैं और दिक्कत दे रहे हैं। मेरा मालिक कृपा करे। बाकी इसके इस साइड से भी व्यू है, आपको दिखाता हूँ मैं। कोई आवाज़ आई है दोस्तों, कोई आवाज़ आई है। कोई आवाज़ आई है दोस्तों, कोई आवाज़ आई है, मुझे नहीं पता किस चीज़ की है, कोई ना कोई आवाज़ आई है। ये देखिए थोड़ी सी आवाज़ आई है, बहुत धीमी थी। ये देखिए थोड़ी सी आवाज़ आई है, बहुत धीमी थी। मैं एक बार इसका व्यू दिखाता हूँ आपको अच्छे से, कोई मूवमेंट हुई है दोस्तों, हल्की सी मूवमेंट हुई है मेरे पीछे। और ऐसी जगहों पर सबसे ज़्यादा जो डर है वो जानवरों का है। ये देखिए इसके अंदर कौन जाना चाहेगा। बाकी आपके सामने लोकेशन है, मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ। अब ऐसे जगह पर तो आपको भी पता है दोस्तों, अकेला कौन जाना चाहेगा रात के टाइम। अपने को किसी का डर नहीं है, सिर्फ उस परमात्मा का है, और मैं किसी से भी नहीं डरता। आपको पता है दोस्तों, आपकी दुआएं प्यार हैं साथ में। मेरा मालिक कृपा करे। कोई है इसके अंदर दोस्तों, जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी EMF मीटर भी मेरे पास है जेब में। ओए दोस्तों आवाज़ आई है, दोस्तों आवाज़ आई है, आवाज़ 100% आवाज़ आई है। कोई ओए दोस्तों आवाज़ आई है, दोस्तों आवाज़ आई है, आवाज़ 100% आवाज़ आई है। कोई कौन है, मैं पूछ रहा हूँ कौन है। अगर कोई है तो मेरे सामने आ सकता है क्या। दोस्तों थोड़ी थोड़ी मेरे को ना मूवमेंट महसूस हो रही है। शायद आपको फील हो रहा हो, मुझे पता नहीं है, मुझे मूवमेंट जरूर फील हो रही है। बाकी मेरा मालिक, मेरा भगवान मेरे साथ में है, आपकी दुआएं। अब पहले पत्ता भी नहीं हिल रहा था, अब देखिए हवाएं शुरू हो गई हैं थोड़ी थोड़ी।
कौन है? ओए कौन है? ये यहाँ पर एक पौधा है, ये आप देख रहे हो ना, इसके बिल्कुल साथ में ये वाला। बाकी आपको व्यू दिखा रहा हूँ अच्छे से, कौन है? ओए दोस्तों आवाज आई है कोई इसके अंदर से। देखिए आप कोई भी हैं, मेरा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है, बिना नुकसान पहुंचाए मेरे सामने आ सकते हैं तो आए। ओए फिर मूवमेंट हुई है, ओए यहाँ से भी हुई है दोस्तों, इस जगह से। देखिए आप कोई भी हैं, मेरा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है, मैं प्यार की नीयत से आया हूँ, मुझे आपकी हलचल महसूस हो रही है कि यहाँ पर कोई है। दोस्तों कोई जानवर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आवाज आई है दोस्तों, आवाज आई इसके अंदर से। आवाज आई है दोस्तों, आवाज आई इसके अंदर से। देखिए मैं आपके बारे में जानने आया हूं, आपसे बात करने आया हूं, प्लीज मुझे निराश मत करिएगा, मैं आपसे बात करने आया हूं, मेरा मेन मकसद है जो आपसे बात करना है, आपकी परेशानी जानना है, आपके बारे में जानना है। आप यहां पर, ये क्या है दोस्तों, यहां पर कुछ शायद परिंदा था, मुझे पता लगा है कि आप यहां पर रात को परेशान करते हो। मैं जानना चाहता हूं कि आप सबको परेशान क्यों करते हो, कोई कहता है कोई औरत है, उसकी आत्मा है, और कईयों को आवाजें सुनाई देती हैं, तो क्या इस कैमरे के सामने आकर आप हमारे दोस्तों को या मुझे सबको अपनी शक्ल दिखा सकते हो? दोस्तों टक 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 ऐसी आवाज़ आ रही है, मुझे नहीं पता क्या है, इसके अंदर से आ रही है सामने से। ये देखिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा मालिक कृपा करे, ओए मेरा मालिक कृपा करे, ओए कौन है? देखिए मैं डरने वाला नहीं हूं, अगर आप में हिम्मत है तो मेरे सामने आए।
बाकी दोस्तों और तो छोड़ो, सामने मच्छर देखो आप, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, कपड़ों के अंदर घुस चुके हैं बुरी तरह से। हमारे एक भाई यहाँ पर आए थे, आपने उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी, तो क्या आप मुझे नुकसान पहुँचा सकते हो यहाँ पे? अगर आप में दम है मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे नुकसान पहुँचा कर दिखाएं। मैं आपसे डरता नहीं हूँ, ये हरकतें जो बुजदिलों वाली कर रहे हो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस ऊपर वाले की नेक रूह हो, पवित्र रूह हो, तो किसी को डराना बंद करें। मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ उस ऊपर वाले से। मैं चाहता हूँ आप इस कैमरे के सामने आए और हमसे बात करें। बाकी दोस्तों जो आवाज़ें आ रही हैं इसके अंदर से, हो सकता है कोई जानवर हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लाइट को देखकर कई बार डर जाते हैं। अब बात यह है कि मैं तब भी मानता हूँ आपको पता है कोई साइन रिकॉर्ड हो, बाकी कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ है वो मुझे पता नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ आपके सामने। ये देखिए, ये जानवर की आवाज़ हो सकती है, ये देखिए, ये जानवर की आवाज़ हो सकती है। क्या ये आवाज़ आप दोबारा कर सकते हैं? फिर आई आवाज दोस्तों, फिर आई आवाज। अच्छा चलो, मैं एक कुछ पल के लिए मान लेता हूँ कि आप यहाँ पर हो। मैं दोस्तों का पीछे जा रहा हूँ ताकि पूरा व्यू है जो आपको मैं कवर करवा सकूँ। कुछ पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि आप यहाँ पर हो, क्या आप मेरे सामने आ सकते हो? मूवमेंट दोस्तों हो रही है, फटाफट कैमरा घुमा रहा हूँ मैं, इसीलिए कुछ मिस ना कर दूँ, बाकी मच्छरों ने परेशान कर लिया यार। यहाँ से काफ़ी अच्छा एरिया कवर होता है दोस्तों, इस जगह से यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये देखिए, एक बार शांत रहते हैं और जो आसपास का एरिया है उसको आराम से महसूस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्या कोई मूवमेंट, क्या कोई आवाज़ रिकॉर्ड होती है। जैसे देखिए पत्ते हिल रहे हैं, हल्की हल्की हवा चलनी शुरू हो गई है और बुरा हाल कर दिया है मेरा मच्छरों ने। सेवा जाइए उसको, इस तरह सेवा जाइए। कौन है, कोई है तो सामने आए।
ये आवाज़ आ रही है दोस्तों कोई, खट खट खट, आई थिंक मुझे पता नहीं है किस चीज़ की है। बाकी सारी लोकेशन आपको दिखा दिया मैंने चारों तरफ से। अभी ईएमएफ मीटर के साथ बात करने की कोशिश करेंगे, तो एक बार इधर से चलते हैं, इसके बीच में से मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए फिर मूवमेंट हुई है कोई, दोस्तों पीछे से मूवमेंट हो रही है। कई दोस्त बोलते हैं कि आपके सामने से क्यों नहीं होता, तो दोस्तों इस चीज़ का मैं जवाब नहीं दे सकता। हम तो चाहते हैं कैमरे के सामने हो जो, ओए ये देखिए पीछे कुछ तो हुआ है दोस्तों यहाँ पे, और कोई भी पौधा इतना नहीं हिल रहा ये देखिए जैसे, पर जैसे मैं यहाँ से गुजरा हूँ ना इस जगह से, ओए ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे कोई था अभी इस जगह पे, जैसे ही मैंने बोला है कैमरा घुमाया है साथ के साथ गायब हो गया इस जगह पे, यहाँ पे